प्रोडक्ट। तो सीन में हम देख रहे कुछ बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है किसका? यस, आज यहाँ पे दिखा रहे कि विक्रम का बर्थडे है और कामिनी तो ऑफकोर्स विक्रम से इतना प्यार करती तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करती है, पर साइड बाय साइड उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। उसने जो जो जिस तरह की स्यापे किए हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स किए हैं, तो वहाँ पे आप बच थोड़ी सकते हो। तो उसके अलग अलग टेंशन चल रही, विक्रम को पता ना चल जाए कि उसकी पोल लग खुल जाए, तो थोड़ी टेंशन भी हुई है, पर उसके साथ वो विप्लव का बर्थडे भी एंजॉय कर रही है। बीच में किसी का फोन आता है, कामिनी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। वो क्या रहता है? वो ये होता है कि वही मैं बोल रही थी कि कामिनी ने जो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं विप्लव अथानी को अलग करने के लिए, वही कर्म उसको मतलब डरा रहा है। पर कामिनी का पोल खुलता है या नहीं, इसलिए तो आपको देखना पड़ेगा। कामिनी ने विप्लव को पाने के लिए, सच्चे प्यार को पाने के लिए गलत तरीका यूज किया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए गलत सही कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं। अगर देखा जाए तो, अगर आप जज करोगे तो हाँ ये गलत है, पर जो इंसान किसी से मतलब बेशुमार बेइंतहा प्यार करते हैं और पागल हो जाते हैं लेटर, उनके लिए कोई गलत कुछ नहीं होता। उसके लिए सिर्फ यही होता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ऑफ कोर्स उसीलिए तो वो इतना डर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, और वो मतलब पागल सी हो रही है कि उसको पता ना चले इतने दिनों बाद सब कुछ सही है। मतलब कामिनी अपनी बोल एक राज छुपाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शी इज वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट और थोड़ा सा ऑब्सेसिव तो है ही। चलिए फिर ऑडियंस को दे दीजिए। आप लोग हमें जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, इश्क का रंग सफेद देख रहे हैं, ऐसे देखते रहिए, हम ऐसे आपको एंटरटेन करेंगे। आई नो एक वैम को प्यार करना बहुत मुश्किल है, पर आई होप आई एम एंटरटेनिंग यू अलॉट, सो कीप लविंग मी। लव यू, थैंक यू।